तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। ये जो आप फोर्स देख रहे हो 8 - 2x, राइट, एंड इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 cm। और फिर ये हमसे क्वेश्चंस पूछे गए, राइट, इज द पार्टिकल परफॉर्मिंग एट सम ऑर्डर, एंड इफ इट इज देन फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन and then find the equation of SHM of the motion of the particle, that is displacement equation, and find the time period. इसे पूछा गया है। तो यहाँ पे let us discuss the basic concept behind this question. अगर एक particle x equal to 0 से SHM शुरू करता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे ये amplitude होगा x is equal to plus a, और ये होगा x is equal to minus a, ठीक है। So, मान लो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑसिलेट। अगर मैं उस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को थोड़ा आगे ले जाऊं, उठा के रख दूं आगे, राइट, तो क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वो ऑसिलेशन उसी एम्पलीट्यूड के साथ करेगा, है कि नहीं। अगर आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, इस सिस्टम को उठा के आपने थोड़ा आगे रख दिया ऐसे, राइट, आपने सिर्फ क्या किया, उसका मीन पोजिशन चेंज कर दिया, आपने उसके एम्पलीट्यूड चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम एल्टीट्यूड उठा के आगे रख दिया। तो जो उसका मीन पोजीशन था जिसके अबाउट वो क्या कर रहा था, ऑसिलेशन कर रहा था, बस वो मीन पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ में आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये मीन पोजीशन चेंज कर दूँ, यानी ये पूरा का पूरा ऐसे जब थोड़ा आगे चले जाए ऐसे, यानी ये जो मीन पोजीशन है वो यहाँ हो जाए एक्स नॉट पे, इस पे हो जाए x is equal to x naught, ये बन जाए मीन पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी आगे चले जाएगा, ये एम्पलीट्यूड किधर चले जाएगा, a plus x naught, और ये हो जाएगा माइनस a plus x naught, यानी पूरा का पूरा ये सब शिफ्ट हो जाएगा, इट इज जस्ट अ शिफ्ट, समझ में आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो इक्वेशन है SHM का वो क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर यहाँ पे वाला ये वाला इक्वेशन है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो x है, राइट, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, ये हम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजिशन। ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली इस तरह से है, ये डिस्प्लेसमेंट with respect to mean position, यानी x minus 0, x minus x naught, यानी mean position, लेकिन यहाँ पे mean position क्या है, 0, यानी x is equal to a sin omega t plus phi, यानी with respect to mean position, तो यहाँ पे भी वो देगा हमें x minus x naught, यानी displacement with respect to mean position is equal to what, a sin omega t plus phi, यानी अगर हम लोग mean position को shift करते हैं तो इस इक्वेशन में बस एक छोटा सा बदलाव आएगा, ये इक्वेशन x is equal to sin omega t plus phi है, और शिफ्ट कर दिया तो वो हो जाएगा x minus x naught is equal to, यानी this is the displacement of the particle, ये क्या है, a sin omega t plus क्या है, ये displacement है particle का with respect to mean position, तो x यानी displacement with respect to mean position x minus 0, यहाँ पे वो हो जाएगा x minus x naught is equal to this, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा सा चेंज आएगा, तो ये पहली बात हो गई, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, अगर f is equal to minus kx है, f is equal to minus kx है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये x with respect to 0, यानी यहाँ पे जो mean position है वो है 0, यहाँ पे mean position क्या है, 0, लेकिन अगर हमारे पास f का इक्वेशन ऐसा हो minus kx minus x naught, देखो मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे फोर्स जीरो, जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, ये फोर्स कहां पे जीरो होगा, ये फोर्स x इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, इसका मतलब इसके लिए x इक्वल टू जीरो जो है वो मीन पोजीशन है। पर अगर ऐसा फॉर्मेट हो f इज इक्वल टू माइनस के x माइनस x नॉट, तो ये जो फोर्स है ये कहां जीरो होगा, ये फोर्स कब जीरो होगा, जब x कितना होगा, x नॉट, यानी दिस फोर्स विल बी जीरो व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, तो इसके लिए x नॉट हो गया मीन पोजीशन, ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको, ठीक है, मतलब मीन पोजीशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो अभी हमें जो एक्सप्रेशन दिया है फोर्स का वो क्या दिया है,
8 माइनस 2x, सही है, 8 माइनस 2x। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं, मुझे x वाला टर्म पहले चाहिए, है कि नहीं, तो मैं x वाला टर्म पहले करूँ, माइनस टू एक्स प्लस एट, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं इसमें से मुझे अंदर सिर्फ x चाहिए, अंदर सिर्फ क्या चाहिए, x को मैं माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा x और ये हो जाएगा 4, सही है। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो k का वैल्यू हो गया 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2, समझ रहे हो आपको, x और x हो गया और x नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ये जो x नॉट है 4, राइट, ये है मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन, यानी ये फोर्स का जीरो होगा। अगर मैं इस फोर्स को जीरो से इक्वेट करूं तो जीरो इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस फोर, ये कब जीरो होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो जब नेट फोर्स जीरो होता है, दैट इज द मीन पोजीशन, यानी इस सवाल में जो मीन पोजीशन है वो शिफ्टेड है, मीन पोजीशन क्या है, शिफ्टेड है। तो चलिए हम इस सवाल को देखिए ध्यान से। तो इस सवाल में बोला है कि पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि मीन पोजीशन कहां पे है, करेक्ट, तो जो मीन पोजीशन है वो कहां पे है, वो x इज इक्वल टू 4 पे है, ये क्लियर है आप लोगों को। तो इसका मतलब जो SHM है वो SHM में ये x नॉट कितना है 4, तो चलो लिख दो x नॉट इज इक्वल टू 4, ये समझ में आ गया आपको। अब ये है मीन पोजीशन, दिस इज अ न्यू मीन पोजीशन। अच्छा अब पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x इक्वल टू 6। अब पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है, जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 6 जो है वो उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, वो उसका क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये मीन पोजीशन। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया फ्रेंड्स, उसका एम्पलीट्यूड हो गया सिर्फ 2 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आया आप लोगों को, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये मीन पोजीशन नहीं निकालते x नॉट इक्वल टू 4, तो हम एम्पलीट्यूड कितना ले लेते 6, और ये सवाल पूरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे आपको, तो सबसे पहले आप नया मीन पोजीशन फाइंड करो, ठीक है, और वो फाइंड करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट। आप नेट फोर्स को जीरो से इक्वेट करो तो जो x का वैल्यू आएगा वो मीन पोजीशन है, यानी आप इसको जीरो से इक्वेट करो और x कितना आएगा 4 आएगा, तो नया मीन पोजीशन है, वेरी सिंपल, ठीक है। और बोला गया है यहाँ पे कि x इक्वल टू 6 पे वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट का मतलब होता है कोई एक्सट्रीम, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप पहले मार्क करो x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4 को आपने मार्क किया है, x इक्वल टू 6 आप मार्क करो। तो ये जो डिस्टेंस है अभी, ये हो गया एम्पलीट्यूड, राइट, ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड, क्यों, क्योंकि ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ये समझ में आपको। अच्छा अब आप देखो यहां पे जो पार्टिकल है, राइट, यहां पे जो फोर्स है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स भी किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है, अभी भी फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, करेक्ट, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x घटेगा ये फोर्स का वैल्यू घटता जाएगा, एंड स्टिल द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, बस क्या हो गया, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया, करेक्ट, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, तो a पार्ट का आंसर क्या आएगा, इज इट परफॉर्मिंग एज अ चेक, यस इट इज परफॉर्मिंग एज अ चेक, बिकॉज़ फोर्स इज स्टिल प्रोपोर्शनल टू x, एंड माइनस साइन भी लगाए, जो टर्म ये जो एक्स वाला टर्म है उसके आगे कौन सा साइन लगाए, माइनस, माइनस लगा, इसका मतलब क्या है, द फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो माइनस भी होना जरूरी है, यानी फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, और वो एक्स के आगे माइनस भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन जो है वो, दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, ये समझ में आया आपको, तभी जाके वो एसएचएम होगा। अगर ये 8 + 2x होगा, 8 + 2x होगा, तो ये एसएचएम नहीं होता, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन x के आगे साइन क्या है, प्लस हो जाता अगर, तो फिर ये ऐसे जब नहीं होगा, एक तो इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू x, तो सही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू x, और उस x वाले टर्म के आगे माइनस साइन भी होना चाहिए, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहां पे दिस इज ऐसे जब, यू अंडरस्टैंड। अभी आपसे पूछा गया है बी पार्ट में फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, x इज इक्वल टू 4, राइट, करेक्ट, दैट इज द मीन पोजीशन। और सी पार्ट में क्या पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है आपको, x माइनस x नॉट, तो वो हो जाएगा x माइनस x नॉट, x नॉट क्या है 4,
4 is equal to a sin omega t plus 5. तो x is equal to 4 उधर जाएगा, मतलब 4 plus amplitude कितना आया इधर के, वो आया है 2 सेंटीमीटर, तो लिख दो आप यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में सेंटीमीटर और sin, अब omega चाहिए, omega right correct, तो omega यहाँ से निकलेगा k से, तो यहाँ पे हमने देखा k कितना आया था 2, तो ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के बाई एम होता है, तो के कितना है 2, एम कितना है उसका 2 के जी, तो 2 2 ये कितना हो गया 1, तो ओमेगा 1 आ गया, तो ये हो गया 1 इनटू टी, ठीक है, और प्लस 5, इसमें बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में 5 कितना आता है, वो पाई बाई 2 आता है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन x = 4।